गणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस ॐ ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठान विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ़ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग विरुद्धाव सिद्धांत दंत हरिणी नमः गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादाम्बुजाय ते नमः नमः भक्तिविनदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपायनो गवरायते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनला सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारित कृपा पारी दानी बंद से गुरु चरण कमल नित गीत वाद श्री हरि कीर्तनी रहे नमगन महामत मणि रोमांच कंपासु आई गौर प्रेमे बंद से गुरु चरण कमल नित गीत वाद श्री हरि कीर्तने रहे नमगन महामत मणि रोमांचकं पासु आई गौर प्रेमे बंदिसे गुरु चरण कमल सदरत जीनी विग्रह सेवने सिंगरदिया मंदिर मार्जने करेनने युक्त अनुगत जने बंदिसे गुरु चरण कमल समय प्रस
सदन कृष्णेर अतिपदो हये भक्ता स्वादने निज त्रितराये वंदिते गुरु शरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित जिनी अन प्रतीक्षाये वंदिते गुरु शरण कमल ब्रज जो रति संवर्धने युक्ति करे सखी शनि वृंदावने अति दक्षताए प्रियतम गने वंदिते गुरु शरण कमल ब्रज जो श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे सै अनुरूप किंतु जिनी प्रभुर प्रियतम रूप वंदिते गुरु शरण कमल सरल प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जरा प्रसादे अन्य गति नाई त्रिसंध कीर्तिर सब धनी भाई वंदिते गुरु शरण कमल गुरुदेवाचार्य अति जतन करी ब्राह्मी मूर्ति परे उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल वंदे से गुरु शरण कमल गुण सिंध जय गुरु देव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव वृंदावन वासी जग वैष्णवे रतने वंदना करी कवार चरवना नीला चरवासी जस महाप्रभु मनिरा
करनी जदास सर्ववंत से देहे जमवंद जोते जगत दुर्लभ पवन तो तब अवतार मौसम पतित प्रभु न पाइबे आ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखे कृपा बलोकन कर आमी बड़ा दोखे दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाए चैतन्य निताए आह स्वरूप सनातन रूप रघो नाथ कट युग श्री देवा प्रभु लोकनाथ दया कर श्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मे नरोत्तम दास दया कर प्रभु पद हृदयित जीव जाग जीव जाग निकाल जीव जाग जीव जाग तोरा चंद बोले जीव जाग जीव जाग तोरा चंद बोले कथा निद्रा जाओ माया सीता चीर बोले जीव बलि आए संसार बितारे बोलिया रहे तुम अभी दार भोरे तुम्हारे नहीं के आई नुआव कार हम बिना बंधु बोल के आचे तुम्हारे एने चे औषधि शिवार लागे हरि नाम महामंत्र लह तो मिमागे करणी पड़ी
जय सखी नंदन जय गौरी सखी नंदन जय सुगर ये सब टेस्ट पर कीर्तन कर पेज नंबर 176 कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो Thank you.
ओम अज्ञान तिमिरामधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ आज है आज तिरुभावना आविर्भाव, आज एक वैष्णव का जन्मतिथि आविर्भाव है। कहते ये कौन है? कहते इनका नाम श्री भक्ति प्रमोद श्री पुरी गोस्वामी महाराज। कहते ये जो महापुरुष ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के ये चरण आश्रित थे, इसलिए प्रभुपाद का जितने शिष्य लोग ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जैसे उनको पिताजी जो भक्ति विनोद ठाकुर, उनका गुरु जी श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनका जो परम गुरु जी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, इन लोगों ने प्रभुपाद को जब प्रभुपाद का योग्यता को देखा, इतने विद्वान प्रभुपाद थे, 6-7 तरह का भाषा जानते थे प्रभुपाद, और उसी समय में उनको जो ज्योतिष विभाग का सर्वश्रेष्ठ जो प्रिंसिपल पद इनको दे रहे थे, इनकी विद्वता को देख करके। लेकिन ये महापुरुष ने कहा, मैंने ये ईंट पत्थर को गिनने के लिए नहीं आया हैं, ये ईंट पत्थर रेतियों को गिनने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का एक पियन हूँ। इसी जगत में गोलोक वृंदावन से वहाँ से जो संवाद को लेकर के आया हूँ, ये जीव जगत में सबको पास में पहुँचाने के लिए, जीव का आत्म कल्याण करने के लिए ईंट पत्थर गिनने के लिए नहीं आया। वो इतने विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको उसी समय बताया गया, जब तक ये पृथ्वी में आप रहोगे, ये जो कुर्सी है आपके लिए खाली रहेगी, ये पोस्ट में कोई बैठ नहीं सकते तुम्हारे सिवाय, इसमें कोई बैठने का अधिकार किसका है ही नहीं। मतलब इतने विद्वान श्री प्रभुपाद ज्योतिष विभाग में इतने बड़े विद्वान थे। इनकी विद्वता को देख करके
हमारे जितने गुरु वर्ग भक्त मनोहर ठाकुर, पहले देखो तुम्हारे अंदर में इतनी योग्यता है, ये योग्यता का लाभ कब है? जब ये योग्यता जब भगवान की सेवा में लगेगा तभी ये योग्यता का लाभ है, हैं? अगर इसको केवल अर्थोपार्जन में पैसा कमाने में जीवन लगा दिया, एलो आर गेलो, आया और जगत से गया और कुछ तरह से नहीं हुआ है। इसलिए योग्यता जब भगवान की सेवा में लगेगी तभी ये योग्यता का सार्थकता है। इसलिए लेकिन ये गुरुवर्ग जब चले गए, अभी तो ये हताश हो गए, इन लोगों ने मेरे ऊपर में इतने बड़े दायित्व दे कर गए महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछिजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे वर्णन, ये पैर को सब याद करना है। महाप्रभु ने ये बता कर गए ये पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं, एक दिन ऐसा आएगा सारा दुनिया में मेरे नाम प्रचार होगा, सब लोग प्रसन्न होकर के खुश होकर के ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, इनका भविष्यवाणी। और ये प्रभुपाद का योग्यता देख करके बोले यही बच्चा ही कर सकता ये काम को, हैं? वो अभी तो हताश हो गए, जब गुरुवर्ग चले गए मैं कैसे करूं? अभी प्रचार करने के लिए दो बल चाहिए, एक जन बल और एक धन बल, दो बल चाहिए तभी ये दोनों ये काम हो सकता है प्रचार, हैं? आपके पास लोक बल चाहिए और पैसा की बल चाहिए। अभी कैसे? मेरे पास में तो कुछ भी नहीं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा? एक दिन बड़े दुखी होकर के हैं बैठे थे प्रभुपाद, जब रात को सो गए ना, इनकी स्वप्न समाधि में महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, और भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये लोग इनके सपने में आए। बोले तू चिंता क्यों कर रहे हो? तेरे पास में धन बल नहीं, जन बल नहीं, चिंता मत करो, केवल तुम प्रचेष्टा करो और हम लोग तुम्हारे पीछे है, हर चीज मदद करने के लिए हम तैयारी बैठे हैं, केवल तुम प्रचार करना शुरू कर दो। जब इनको ये स्वप्न समाधि में दर्शन दिए सारे गुरुवर्ग महाप्रभु ये बात को बताए, प्रभुपाद कहते हैं मेरे अंदर में तो 100 गुण ज़्यादा जोश आ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था अकेला मैं क्या करूं नहीं करूं, पैसा कहां से मिलेगा, लोग कहां से मिलेंगे, लेकिन साक्षात महाप्रभु कह रहे हम लोग पीछे है ना, केवल तुम प्रचेष्टा करो हम मदद करेंगे। कहते मेरे अंदर में 100 गुण ज़्यादा जोश आ गया मेरे अंदर में। फिर तो उसको बाद में प्रभुपाद ने सब टीका लिखना शुरू किया, ग्रंथ प्रकाशन शुरू किया, और सचमुच से प्रभुपाद के पास में एक 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 व्यक्ति आने लग गए, एक एक व्यक्ति आने लग गए, और उन व्यक्तियों में ये महापुरुष एक है, ये भक्ति प्रमद श्री पुरी गोस्वामी महाराज एक है। कहते ये जो महापुरुष है ये ब्राह्मण कुल में अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और जन्म कहाँ पर हुए? बोले जसोहर जिला, ये जसोहर जिला ये पूर्व बंगाल में। कहते ये पूर्व बंगाल कहाँ पर है? पूर्व बंगाल। कहते ये पूर्व बंगाल में मेरे गुरु भी जन्म, मेरे गुरुदेव भी जन्म हुए, बामन गोस्वामी महाराज भी जन्म हुए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति माधव गोस्वामी महाराज, ये जितने प्रभुपाद का अक्सर करके जितने जो हुए हैं वो उधर ही जन्म हुए। बोले वो स्थान किया, उसका सुनो वो स्थान किया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम पद्मा नदी, तब महाप्रभु बोले देखो पद्मा मैं अपना प्रेम को तेरे पास में रख करके जा रहा हूँ, मेरे बाद में एक बहुत बड़ा एक संत आएगा, वो जब आएगा ये जो प्रेम रख करके जा रहा हूँ वो प्रेम उनको दे देना। तब वो नदी कह रही है बोले प्रभु मेरे को पता कैसे चलेगा वो वही महापुरुष है, उसका मुझे प्रमाण दो, मैं दूंगा कैसे पता? बोले वो इतने बड़े संत हैं, जब केवल उनका चरण स्पर्श हो जाएगा तुम्हारी पानी में, इतने बड़े संत होंगे तुम्हारे हृदय एकदम प्रेम में अपने आप उफरने लग जाएगी, अपने आप तुम्हारी प्रेम हृदय में उफरने लग जाएगी, फिर समझ जाना ये यही महापुरुष। कहते वो महापुरुष कौन थे? श्री नरोत्तम दास ठाकुर।
ये महापुरुष कौन थे? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। ये नरोत्तम दास ठाकुर अद्भुत संत है। इनका जो प्रेम भक्ति चंद्रिका इनका ग्रंथ है। हम लोग जो गाते हैं ना राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर इन्हीं का ही, श्री गुरु चरण पद्म इन्हीं का ही भजन है, हैं इन्हीं का ही भजन है। इसलिए इनका जो भजन रोज रोज हम मंदिर में इनकी श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सत्म सब इन्हीं का कीर्तन है। श्री रूप मंजरी पद सही मर संपद इन्हीं का ही कीर्तन है। बहुत बड़े महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने पूरा मणिपुर राजा को पहले उन्होंने चेला बनाया, राजा को चेला बनाया सबसे पहले। अगर राजा अगर चेला बन गए उनका जितना प्रजा बन जाएंगे, पूरा मणिपुर को उन्होंने पूरा बदल दिया। अभी भी उनका प्रभाव वहाँ पर, आप जाओगे सभी की मणिपुर में सभी के गले में तुलसी कंठी देखोगे, तिलक लगाते हुए देखोगे, अभी भी स्त्री पुरुष हैं तिलक कंठी माला लगाते हुए उनने महाप्रभु का मंदिर स्थापन किया, जिसमें एक साथ में 108 मृदंग एक साथ में बजती हैं। जब महाप्रभु की आरती होती है 108 मृदंग एक साथ में बजती हैं जब महाप्रभु वहाँ आरती होते हैं। इसलिए कहते जब उनको आए उनकी चरण स्पर्श हुआ, चरण स्पर्श होने पर वो जो पानी अपने आप उफनने लग गया, पानी जब उफनने लग गई इतने में कि हवा की झोंक आई, वो हवा की झोंक वो पानी को स्पर्श किया है उफनते हुए, और जिस तरफ में वो हवा बह करके चली गई, पूर्व बंगाल में बहुत जगह है लेकिन सब जगह का लोग भक्त नहीं होते हैं, वो पानी जिधर हवा बहते हुए चली गई, ये जितने सब हमारे गुरु वर्ग है प्रभुपाद अक्सर करके जिन्होंने जगत में ये शुद्ध भक्ति धारा प्रचार की, कहते सबके सब उधर से आए, सबके सब उधर से आए। इसलिए ये महापुरुष भी उस तरफ से उच्च ब्राह्मण चक्रवर्ती, उधर जो ब्राह्मण है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब क्या है, सारे चार जगह का जो राजा हैं, इसलिए ये अच्छे ब्राह्मण घर में उन्होंने जन्म हुए, और लिखाई पढ़ाई बहुत किया, बहुत लिखाई पढ़ाई किया, और जिस समय लिखाई पढ़ाई में इतने अच्छे थे उसको गोल्ड मेडलिस्ट उनको मिला था पढ़ाई में, और उनको कभी ज़िंदगी में कोई पैसा नहीं लगा स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आते थे, गोल्ड मेडलिस्ट इसको मिला हुआ था, इसलिए कहीं भी लिखाई पढ़ाई के लिए उनको कोई भी पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ा। उसको बाद में फिर पोस्ट कमिश्नर पद में उन्हें नियुक्त रहे, लेकिन जब प्रभुपाद का चरण आश्रित हुए ना, प्रभुपाद का चरण में आए, हरिकथा सुनने के लिए प्रभुपाद के पास में आते थे हरिकथा सुनने के लिए, तब प्रभुपाद ने बताए, बोले उसका नाम था प्रमोद भूषण हैं, प्रमोद भूषण इनका नाम था, इसलिए बोले इतना देर क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए जो तुम्हारी सेवा है ना, तुम्हारा लिए अपेक्षा कर रहा है तुम्हारी सेवा, इसलिए जल्द जल्दी आओ अपना सेवा में नियुक्त हो जाओ। इतना बोल करके प्रभुपाद चुप हो गए। जब प्रभुपाद चुप हो गए फिर इन्होंने समझ गए प्रभुपाद कुछ आदेश दे रहे हैं, फिर उन्होंने उसी नौकरी को उन्होंने छोड़े, नौकरी को छोड़ करके श्री प्रभुपाद का शरण में उन्होंने आए, और उन्होंने क्या करते थे, इनका सेवा था एडिटर का काम था, जितने ग्रंथ हमारे निकला, ग्रंथ हमारे गौड़ीय वैष्णव में जितने ग्रंथ निकला, जैसे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत श्रीमद् भागवतम जितने ग्रंथ, इसका सारे एडिटर यही थे। और जब प्रभुपाद पहले एक साल में एक बार एक पत्रिका निकलता था गौड़ीय मठ से एक, प्रभुपाद ने देखा ये काफ़ी नहीं है लोगों के लिए, फिर उन्होंने मासिक निकाले एक महीना में, फिर उसको उन्होंने देखा ये भी काफ़ी नहीं, फिर पाक्षिक निकले मतलब 15 दिन में एक पत्रिका, बोले ये भी यथेष्ट नहीं, फिर साप्ताहिक निकला, फिर प्रभुपाद ने ऐसे पत्रिका निकाले दैनिक, जैसे रोज़ सवेरे लोग उठते हैं ना ये अखबार पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, उसी तरह प्रभुपाद वहाँ से ऐसे निकाले घर घर में पहुँचा देते, लोग सवेरे उठते ही, सवेरे लोग उठते ही जैसे पेपर पढ़ते थे घर में, ये प्रभुपाद वहाँ से हरिकथा निकलता था, लोग को घर घर पहुँच जाता था, सवेरे उठते ही प्रभुपाद का हरिकथा लोग पढ़ने लगे, और उसका जो एडिटर करते थे ये भक्ति प्रमोद शिल पुरी गोस्वामी महाराज एडिटर करते थे, इतने विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे ये, और बहुत सेवा था मंदिर का,
लेकिन प्रभुपाद का निर्देश था रोज 1,00,000 हरिनाम करना। कितना हरिनाम करना? 1,00,000 रोज हरिनाम करना। एक दिन उन्होंने प्रभुपाद से बोले, बोले प्रभुपाद इतने मेरे से हरिनाम नहीं हो पाता है क्योंकि सारे एडिटर काम करना पड़ता है, फिर मंदिर का कीर्तन है, भजन है, हरिकथा है, ये सब करते करते समय कहा हमें जो 1,00,000 हरिनाम थोड़ा कम कर ले। प्रभुपाद ने कहा तुम कितने घंटा सोते हो? बोले 4 घंटा सोता हूँ। और वो कैसे सोते थे जानते थे? हम जैसे लेट कर सोते थे ऐसे नहीं सोते थे, उनका जैसे जी चेयर होता था ना एक, क्योंकि सारा दिन ही चारों तरफ में उनका ग्रंथ ही ग्रंथ चारों तरफ रहता था, क्योंकि एडिटेड करते थे ग्रंथों को, चारों तरफ में ग्रंथ भरा रहता था। और जो सोते थे थोड़ी सी इधर करके ऐसे ही, मैंने हम जैसे तो लेट करके सोते हैं, वो कभी कभी भी ऐसे सोए नहीं, कभी कभी उन्होंने ऐसे नहीं सोए हैं, कभी उन्होंने नहीं सोए, ऐसे ही सो करके बस सो गए। तो प्रभुपाद बोले अपना सोना से थोड़ा समय को कम करो, लेकिन 1,00,000 हरिनाम 1,00,000 हरिनाम जरूर करो, क्योंकि महाप्रभु बोले 1,00,000 हरिनाम किए बगैर हम किसी का हाथ का कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता हूँ। 1,00,000 करना पड़ेगा हरिनाम है, 1,00,000 हरिनाम करना पड़ेगा। तब कहते क्यों 1,00,000 हरिनाम करने का क्या जरूरत है? देखो ध्यान देकर सुनो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति 1,00,000 हरिनाम करता है फिर उसको समय कभी नहीं रहता है फजलू का बात करे, इधर उधर काम करे, क्योंकि 1,00,000 हरिनाम करने के लिए तुम 6 घंटा 7 घंटा तो लगेगा है, लग जाएगा 6-7 घंटा। और जैसे करोगे अगर जल्दी जल्दी करोगे 6 घंटा भी हो जाती है, हैं हो जाती है अगर एकदम सही सही मन से करोगे। ये छः अगर कोई व्यक्ति अगर 6-7 घंटा अगर हरिनाम में बिताएगा उसको समय नहीं मिलेगा कोई दूसरे चीज़ की चिंता करने के लिए, उसको कभी समय। प्रभुपाद क्यों कारण किया महाप्रभु क्यों बोले 1,00,000 हरिनाम करने के लिए? कारण यही था। देखो हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज वो नाश्ता से पहले 1,00,000 हरिनाम कर देते थे, नाश्ता लेने से पहले 1,00,000 हरिनाम किए बगैर वो भोजन नहीं करते थे। 1,00,000 हरिनाम करेंगे तो भोजन करेंगे। जगत में इतना बड़े क्यों हुए हैं? कारण यही है। एक होता है कथा बोलना, जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसे जो एक खाया उसको बोलो रसगुल्ला कैसे, अरे मुंह में पानी आ जाएगा। और जो नहीं खाया ना रसगुल्ला कैसे, बोला हाँ मीठा है। इसलिए जब हम भगवान का नाम करेंगे भगवान के नाम में कितना मीठा है जब करेंगे तो पता चलेगा ना, नहीं किया बगैर पता कैसे चलेगा। इसलिए जिसको जितनी अनुभूति होगा उसका कथा जगत में उतना ही प्रचार होगा। प्रभुपाद का सारा विश्व ब्रह्मांड में क्यों नाम प्रचार हुआ? कारण क्या? बोले कारण है उनका जो साधन है ना वो पक्का साधन था। अगर साधन नहीं करेंगे बोलो बोलेंगे बोलेंगे कुछ दिन बाद लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसमें उसमें ताकत नहीं ना, वो कथा में ताकत है ही नहीं, क्योंकि तुम खुद करते नहीं, दूसरों के लिए उपदेश दे रहे हो, वो उपदेश देने पर काम नहीं चलेगा क्योंकि पहले करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आचार रहित प्रचार कर्मांग्र अंतर्गत, वो आचार विहीन जो प्रचार है वो भक्ति नहीं केवल वो जड़ कर्म है। इसलिए इसलिए हम लोग इस समय कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। देखो जैसे जल्दी जल्दी ना प्रसाद पाकर जल्दी सो जानी चाहिए, ज़्यादा रात तक ये नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा रात तक कोशिश करनी चाहिए जैसे जल्दी जल्दी हम विश्राम कर ले। और जो प्रभु इनका जो नियम था आरती होने से पहले प्राय 25,000 नहीं तो 50,000 हरिनाम इनकी पूरी हो जाती थी आरती होने से पहले उठ करके। अब सवेर उठ कर देखना हरिनाम करने पर 1 घंटा में तुमको बैठ करके करो 25,000 हरिनाम हो जाएगी, बैठ करके तो एक जगह पर सक। और सवेरे सवेरे भजन में मन लगती है, दिन जितना होते जाएगा शरीर में रजोगुण बढ़ते जाएगा, मन इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा। और सवेरे सवेरे हरिनाम करो मन की कदर जाएगा नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, 8 बजे सो जाते थे और 12 बजे जग जाते थे, 12 बजे फिर बैठ करके पेन शाही रहता था उस समय तो ये पेन नहीं था, फिर जो जैव धर्म आदि जो ग्रंथ लिखे बास बैठ करके कलम होता था, हरिनाम करते थे जो हृदय में स्फूर्ति होता था फिर वहाँ पर वो लिखते रहते, तभी तो इतना ग्रंथों को प्रकाशित किया है।
हैं, इतने ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए हम लोगों को भी जल्दी जल्दी अगर हमको साधन करना है क्या करनी चाहिए, हमको सवेरे रात को ज़्यादा समय गप्पे पाओ और टाइम से सो जाओ, टाइम से सो जाओ, सो करके अपना टाइम से जग जाओ, जग करके आरती होने से पहले अगर हो सके अगर जग करके थोड़ा हरिनाम कर लिया तो आप देखना वो हरिनाम सही रहेगा। हरिनाम, इसलिए मैं अपना गुरु जी को देखा है, वो एकदम सवेरे से ढाई ढाई तीन बजे अंदर में उठ जाते थे, उठ करके जितने हम स्तुति स्तव करते ना, जमुनाष्टक, गुरुवाष्टक, नामाष्टक, ये जितने सारे गुरुदेव सारे अष्टक गुरुदेव अपना अष्टक सारे करते थे एकदम सवेरे से, मंगल आरती से पहले सारे अष्टक कीर्तन उनकी सब समाप्त हो जाता था, सारे समाप्त कर देते थे और उसको आरती होने से पहले उनका हरिनाम हैं हरिनाम पूरी हो जाती थी, क्योंकि सवेरे सवेरे जितना भजन साधन सवेरे होता है मन स्थिर रहता है। इसलिए हमारी ये स्वाभाविक रूप में हमारे अंदर में ये चीज़ को आनी हमारी चाहिए। इसलिए क्या करनी चाहिए, अगर हमें साधन भजन करना तो हैं साधन भजन करना तो हमें जल्दी जल्दी अपना साधन भजन को सवेरे ये चीज़ को रखो, सवेरे सवेरे क्या करो, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, उठ करके अपना साधन भजन आरती से होने से पहले अपना साधन भजन को अच्छे तरह से साधन भजन को कर लो। कोई उठाएगा तभी हम आरती में उठेंगे, नहीं तो सोते रहेंगे, फिर तो हो गया भजन साधन। सुबह स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं, डेढ़ दो बजे स्नान करने में, डेढ़ दो बजे के अंदर, इसलिए हाँ इसलिए इसको अपना साधन भजन को कहते एकदम साधन भजन को एकदम पक्का रखनी चाहिए। इसलिए वो ऐसे भक्ति प्रमद पुरी गोसाई महाराज इन लोगों का साधन भजन इतना सुंदर, इनकी साधन भजन होता था, इसलिए जगत में इतने बड़े बड़े संत बने, इतने बड़े बड़े संत बने। और इनके हाँ कहते जब इनका ये ब्राह्मण घर में जन्म हुए, जो ब्राह्मण घर में जन्म संस्कार अच्छा संस्कार होता है, और पहले तो ब्राह्मण लोग बड़े निष्ठापूर्वक उनको हाँ अभी धीरे धीरे तो ब्राह्मण लोग अपना धर्म कर्म को छोड़ रहे हैं, पहले जो ब्राह्मण होते थे बड़े निष्ठा नियम उनकी, क्योंकि पहले लोग ब्राह्मण घर में वही लोग ही जगत को शिक्षा देते थे, बड़े भाग्य से ब्राह्मण घर में जन्म होता है। इसलिए जितने ठाकुर का स्थापन कैसे करनी चाहिए, ये मंदिर स्थापन कैसे होगा, जब कोई शरीर छोड़ेगा उनको शरीर को संस्कार कैसे करना, मतलब इनको ये सारी चीज़ एकदम परफेक्ट रूप में पता था। इसलिए अक्सर करके जितने मंदिर स्थापन हुआ इनको द्वारा हुआ, क्यों ब्राह्मण घर में थे, सारे पूजा सेवा ठाकुर जी का अर्चन यज्ञ यज्ञ एकदम परफेक्ट रूप में जानते थे ये। और हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इनसे ही सब कुछ सीखे, इनसे ही उन्होंने ठाकुर को पूजा प्रतिष्ठा, हमारे महाराज भी ब्राह्मण घर में थे, इसलिए इन्होंने पूजा सेवा और मंदिर स्थापन करना, ठाकुर का स्थापन करना सारे इन्होंने सब इन्होंने अक्सर करके गौड़ीय मठ के लोग इनको पास में सबके सब चीज़ को उन्होंने सिखा की। रूप सनातन गौड़ीय मठ जो ठाकुर स्थापन इन्होंने किया था, और मेरे गुरु जी जब शरीर छोड़े अप्रगट हुए इन्होंने आ करके हैं कैसे पंचामृत में स्नान कैसे कराना और उनको शरीर को कैसे दाह संस्कार करना इन्होंने ही मेरे गुरुदेव का किया। और अक्सर करके इन्होंने सब सब काम ये करते थे हमारे ये, और विशेष करके इनको जो ठाकुर को जो सेवा पूजा है ना, ये घंटे घंटे तक बैठ करके जब ठाकुर को पूजा रोज ये करना पूजा है ठाकुर जी को, घंटे घंटे तक बैठ करके ठाकुर जी के चरण में एक तो मन को डुबोते हुए पूरे हैं मन को पूरा डुबा करके अपना मन को, मैं खुद देखा महाराज जी को जब चैतन्य गौड़ीय मठ में रहते थे, मैं देखा रथ यात्रा का समय पर जब जाते थे देखते थे ठाकुर जी सामने राधा कृष्ण महाप्रभु उनको पूजा सेवा इनकी अर्चन घंटे घंटे तक बैठ करके उनकी सेवा करते थे ये महाराज जी, घंटे घंटे तक बैठ करके। इसलिए इनको कोई कोई कहते थे तो कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि जो तीन तरह का वैष्णव है, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम, कहते कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, बोले अर्चयामेव हरे जम पूजा श्रद्धा हते न तद भक्ते सुचाने सुसभक्त प्राकृत स्मृत। इसलिए इनको बताया जिनकी कनिष्ठ भक्त जिनकी अर्चन सेवा में
जिनकी बहुत निष्ठा है, जो अर्चा विग्रह को जो साक्षात रूप में भगवान समझ करके जो सेवा पूजा करे, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है, हैं ये कर, इसलिए इनको कोई कोई कनिष्ठ अधिकारी कहते थे। लेकिन इसका मतलब नहीं जो सेवा पूजा करते वो कनिष्ठ, इसका नहीं। माधवेंद्रपुरी तो गोपाल जी को सेवा किया, सनातन गोस्वामी तो मदन मोहन को सेवा की, उन्हें तो मदन मोहन की सेवा किया, रूप गोस्वामी तो गोविंद देवी की सेवा की, नरोत्तम ठाकुर का अपना महाप्रभु है, लोकनाथ दास गोस्वामी का राधा विनोद है, जयदेव गोस्वामी का राधा माधव है, हैं गोविंद देव रूप गोस्वामी, इसलिए श्री गोपीनाथ मधु पंडित, ये भी तो ठाकुर को पूजा किया था, वो कनिष्ठ अधिकारी। बोले नहीं, ऐसे नहीं है, हैं इसलिए उत्तम, जितने उत्तम अधिकारी हुए वो भी ये ठाकुर जी की सेवा पूजा किए है। वहाँ पर कहते हैं जो ठाकुर को अर्चा विग्रह को साक्षात भगवान बुद्धि में करते हैं, लेकिन ये भक्तों को जो इतने महत्व नहीं देते, जितना ठाकुर को महत्व देते हैं उतना भक्तों को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये बात बताया। इसका मतलब नहीं जो ठाकुर को पूजा करते इसको इनको कोई कोई कनिष्ठ अधिकारी बताए, इनको कान में गया, जब कान में गया किसी ने कहा जे ये तो कनिष्ठ अधिकारी, तब इनका जो शिष्य लोग थे वो थोड़ी सी बिगड़ गए, बोले हमारे गुरु जी को कनिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि शिष्य के लिए जो गुरु जी है महाभागवत है, शिष्य के लिए कि शिष्य अपना गुरु जी को क्या समझे, ये साक्षात भगवान की ये प्रकाश विग्रह भगवान ही हमारे पास में ये गुरु रूप धारण करते हुए हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए साक्षात भगवान ही आए। इसलिए कहते यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमे तार प्रकाश, मतलब है अकेला ईश्वर कृष्ण सब तार भृत्य, कृष्ण ही केवल जगत का मालिक ईश्वर है और जगत में सब के सब उनका नौकर है, सब के सब उनका भृत्य है। साक्षात बलदेव प्रभु भी कृष्ण का अपना सेवक मानते हैं, राधा रानी स्वयं कृष्ण की सेविका मानती हैं, और राधा रानी से सारे शक्ति, बलदेव प्रभु से सारे शक्तिमान प्रकाशित हुए, लेकिन एक शिष्य क्या समझेगा। इसलिए कृष्ण जब भगवान उनके सबके सब उनकी दास है, गुरुदेव भी हमारे भी भगवान की सेवक है, दास है, लेकिन एक शिष्य अपना गुरु जी को क्या मानेगा। बोले तथापि जानिया आमी तहार प्रकाश, एक शिष्य के लिए गुरुदेव का यह है, भगवान का ये अभिन्न प्रकाश है, भगवान ही जगत में गुरु रूप में आकर के हमें भक्ति की शिक्षा देने के लिए भगवान आए हैं, तभी इनके हृदय में तो शास्त्र स्फूर्ति होगा, नहीं तो हृदय में स्फूर्ति प्राप्त नहीं होगा। अगर गुरु जी को साधारण कोई इंसान अगर कोई सोच ले तो हैं, इसलिए अभी हमारे जो बोधायन महाराज थे, भक्ति विबुद्ध बोधायन महाराज, जब उनको किसी ने बोल दिया ये कह रहे हैं मेरे गुरुदेव कनिष्ठ अधिकारी, तब उन्होंने अपना गुरु जी को पास में गए, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, बोले गुरुदेव आपका ऐसे कैसे बोल रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी कैसे, हमारे गुरुदेव तो उत्तम अधिकारी महाभागवत है, कनिष्ठ अधिकारी क्यों करें, हम विरोध करेंगे। देखो उनका कितना दैन्यता है, ये जो वैष्णव के अंदर में जो दैन्यता ही यही वैष्णवता है, घमंडता वैष्णवता नहीं है, हैं जैसे किसी वृक्ष, जिस वृक्ष के ऊपर में जितने फल होगा ना, वो वृक्ष अपने आप झुक जाएगा, वो खड़ा नहीं होता है, वृक्ष में फल आने पर क्या होता है, वृक्ष झुक जाती हैं, और जिस पेड़ में फल नहीं होगा ना वो खड़ा रहेगा, और जिसमें ज्यादा फल होगा वो पेड़ झुक जाएगा। इसलिए नम्रती विद्याम ददाति विनयम, विद्या कभी घमंडता नहीं देता है, विद्या क्या देता है, नम्रता, नम्रता देती है, हैं नम्रता देती है, जिसको अंदर में जितने नम्रता होगा ना उसको अंदर में समझनी चाहिए ये विद्या है, नहीं तो कुविद्या है, वो विद्या नहीं हो कुविद्या है। इसलिए इतने बड़े विद्वान पंडित है, पंडित ही थे, विद्वान है, ब्राह्मण घर में जन्म हुए, लेकिन जब उनके शिष्यों ने बताया आपको कैसे ऐसे बोल देंगे कनिष्ठ अधिकारी, देखो क्या कहते हैं, हाँ इनका क्या भावना है, वो कह रहे हैं मैं तो पहले सोच रहा था मेरा कोई अधिकार नहीं भक्ति में, लेकिन वैष्णव लोग मेरे को कह रहे हैं मैं कनिष्ठ अधिकारी, मैं कितने भाग्यवान हूँ, पहले तो सोच रहा था मेरे अंदर में कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी है उनको भी सात पीढ़ी उधार हो जाते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त उनका भी सात पीढ़ी उधार हो जाता है,
जो मध्यम अधिकारी भक्त का 14 पीढ़ी उद्धार होते हैं और जो उत्तम अधिकारी भक्तों का 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, हैं? इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भी साधारण नहीं। कनिष्ठ अधिकारी क्या क्या लक्षण है? ये भगवान को जो साक्षात भगवान जो मानते हैं, अभी हमारी बुद्धि हुई है साक्षात भगवान है, हमको तो लगता है इस वैसे ही खड़े ही है, वो कुछ कुछ बोलते नहीं करते नहीं, वैसे ठाकुर जी बैठे हैं, हैं? इनको प्रति हमारा भगवान बुद्धि नहीं अभी है, लेकिन अर्चा विग्रहपति जिनकी साक्षात भगवत बुद्धि, ये विग्रह नहीं साक्षात भगवान है, ये कनिष्ठ अधिकारी जिनको ये अनुभूति होगा, हमारी थोड़ी अनुभूति है, इनको सामने पता नहीं उल्टा पुल्टा कितने हम करते जाते हैं, पता नहीं बैठे थोड़ी बोलेंगे, बोलते नहीं ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को प्रति भगवत बुद्धि होना है ये साधारण बात नहीं। वो कह रहे हैं वैष्णव लोग मेरे कनिष्ठ अधिकार कह रहे हैं, मैं कितने भाग्यवान हूँ, कितने सौभाग्यवान मेरा है, वैष्णव को मेरे कनिष्ठ अधिकार कह रहे हैं। ऐसे ये वैष्णव थे संत थे। अगर ठाकुर जी को अगर कुछ हो जाए ना, ठाकुर जी को कुछ अपने आप इनको पता चल जाता था अपने आप। एक बार क्या हुआ, मायापुरी में मंदिर में वो महाराज थे पुरी में, भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई ठाकुर को उन्होंने जैसे सिंहासन बता ना, गोपाल जी थे, भक्त ने उसको पास में दिया जलाया, जब दिया जलाया कैसे क्या हुआ वो दिया कैसे कपड़ा में लग गया, दिया कपड़े में लग गया। इसलिए दिया जलते समय ना सावधान हैं, दिया हर समय दूर में रखनी चाहिए, कैसे झोंक कैसे हवा की झोंक आई और लग गया सिंहासन में लग गया, तो क्या हुआ उनका कपड़ा सिंहासन जल गया, कैसे जल गई, जल गया ठाकुर जी का यहाँ पर कपड़ा, लेकिन वो जो पुरी में रहते थे जैसे इनके शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे मेरे शरीर में आग लग गई, मेरे शरीर में आग लग गई, उनका शरीर छटपट छटपट कर रहे, वो कह रहे ऐसे क्यों हो रहा है मेरे शरीर में, मेरे शरीर में जैसे आग कैसे लगी हुई है, मेरे शरीर में इतना छटपट छटपट क्यों हो रहे हैं। फ़ोन करके देखा सब मठ में कुछ इधर उधर नहीं हुआ, तो उन्होंने भक्तों से फ़ोन कराया, फ़ोन करा, जब उन्होंने मायापुर में फ़ोन करा उनके मंदिर में, जब उन्होंने पूछा सेवकों को मंदिर में कुछ हुआ क्या, गुरुदेव कह रहे मेरे शरीर में जैसे आग लग गई है और मेरे शरीर छटपट कर रहा है, कुछ हुआ क्या, तब उन्होंने बोले हाँ आज मैंने ठाकुर के पास में दिया जलाया था, मैं गया था किसी काम में, आकर देखा ठाकुर का कपड़े में आग लग गई थी। फिर उन्होंने फोन किया गुरु जी के पास में, ऐसे ऐसे अपराध वो छुपा कर रख दिए, अगर गुरु जी को पता चलेगा तो गुरु जी डांट लगाएंगे, छुपा कर रख दिए। तब जब गुरु जी को पता चला, गुरु जी फिर फोन किया, ठाकुर जी से अपराध माफ़ी मांगो, ठाकुर जी को पंचामृत से ठाकुर जी को अच्छे तरह से स्नान कराओ और ठाकुर जी को अच्छा आज भोग लगाओ ठाकुर जी को, और ठाकुर जी के चरण में माफ़ी मांगो, ठाकुर चरण में माफ़ी मांगो, ठाकुर जी हमारी आपका चरण में अपराध हो गया है। एक दिन यह हुई, और एक दिन क्या हुआ, देखो ठाकुर को कैसे सेवा पूजा करनी चाहिए। एक बार जैसे गोपाल जी है ना, हैं, कभी उन्होंने गोपाल जी को हाथ में कभी स्नान करा कर पोछा लगा रहे थे, और उनका हाथ से कैसे गोपाल जी गिर गए, जैसे बैठ करके पोछा दे ना, ठाकुर को स्नान कराया, ठाकुर का स्नान कराया, ठाकुर जी को करा के हाथ में रखे थे, और कैसे होता है ना करते करते फिसल गया, कैसे केवल इनके हाथ से फिसल गया नीचे, इतना दूर से थोड़ी गिर पड़ा ठाकुर जी, लेकिन गिरा इनको ठाकुर जी को, लेकिन उनको स्वप्न दिखाई दिया, उनको पूरी में स्वप्न दिखाई दिया, जे ऐसे ऐसे सेवा करते करते किसी सेवक के हाथ से ठाकुर जी गिर गई, हाँ ठाकुर जी गिर गए, उनको स्वप्न दिया महाराज जी को, महाराज बड़े विचलित तो हो रहे थे, हैं किसकी हाथ से ठाकुर जी गिर गए, किसका हाथ से, फिर उधर उधर करके फिर पता चला किसी पुजारी के हाथ से गोपाल जी किसी पुजारी के हाथ से गिर गए, पुजारी के हाथ से। इसलिए ठाकुर जी को साथ में इनकी ऐसे संबंध ठाकुर जी को साथ में था, अगर ठाकुर को सेवा पूजा में इधर उधर थोड़ी होना, अपने आप उनको पता चलता था यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसलिए ठाकुर जी की प्रति इनकी तीन संबंध घनिष्ठ संबंधता इनकी थी। इसलिए हर विशेष करके इन्होंने जो सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज यार अल्प संग, देखो जो पांच तरह का जो भक्ति वो कह रहे हैं प्रभुपाद का विषय में, प्रभुपाद कैसे हमें जो जितने भक्ति अंग में विशेष करके पांच भक्ति अंग है
जिसको थोड़ी सी अगर कोई एक अंग को अगर थोड़ी सी कोई जाजन करे ना, उसको कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। पांच अंग में कैसे है, कैसे प्रभुपाद कैसे हमको ये पांच अंग कैसे उन्होंने हमें सुविधा दिया है। पहला है नाम संकीर्तन, पहला ये श्री नाम संकीर्तन। देखो प्रभुपाद ने सबको माला पकड़वाया, सबके सब हरि नाम करो हैं, मंदिर में हरि हरि नाम होता है, हरि कीर्तन होता है, इसलिए नियम है। देखो मंदिर में कुछ नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, जैसे हमारे वृंदावन में जैसे सब ब्रह्मचारी लोग बैठ करके परमेश्वर पर खुद बैठते हैं और थोड़ी समय हरि नाम करते हैं, थोड़ी समय हरि नाम करते हैं, यहाँ पर भी कुछ समय ऐसे निकालो, कम से कम आधा घंटा बैठ करके हरि नाम करो। जैसे ठाकुर जी का मंगल आरती हो जाएगा ना, जैसे अभी ये तो माताएं आती हैं, जल्दी जल्दी चले जाएंगे, छोड़ देते हैं ये लोग, जब चले जाए ना कम से कम तुम जितने बच्चे हैं सब बैठ जाओ, बैठ करके आधा घंटा हरि नाम करो हैं, आधा घंटा बैठ करके कम से कम हरि नाम करो, क्योंकि जब बैठ करके हरि नाम करते हैं वो एक मन से होता है, इधर घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, नहीं, कम से कम आधा घंटा बैठ करके बोले नाम संकीर्तन प्रभुपाद कैसे। उसके बाद में संग, हम सकाल सवेरे हरि कथा होते हैं, ये भी साधु संग हो रही है, शाम को भी हरि कथा हो रही है, साधु संग हो रही है, हरि कथा हो रही है, साधु संग, नाम संकीर्तन, फिर मथुरा वास हैं, मथुरा वास, मथुरा वास मतलब ब्रज धाम में वास करना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जथाए हरि कथा सा, जहाँ पर जखा जखाने हरि कथा सिखाने तीर्थ, तीर्थ कहाँ पर है, बोले जहाँ पर भगवान का नाम हो, कीर्तन हो, ठाकुर का सेवा पूजा हो, वहीं पर ही धाम है, वहीं पर ही भगवान की धाम है। इसलिए प्रभुपाद इसी के लिए भी व्यवस्था किया। उसके बाद में ठाकुर जी का सेवा पूजा, इसलिए प्रभुपाद ने 64 मठ उन्होंने स्थापन किया पूरा भारत में, और हर मंदिर मंदिर में उन्होंने ठाकुर को स्थापन किया, अपना गृहस्थ भक्तों के घर में भी उन्होंने ठाकुर जी को स्थापन किया गृहस्थ को भक्त में। इसलिए इन्होंने प्रभुपाद ने सुजोग दिया हमें ठाकुर का सेवा करने के लिए, मथुरावास हाँ, नाम संकीर्तन, साधु संग, मथुरावास, और तू बोलो पांच में और क्या रह गया कि मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, नाम संकीर्तन, साधु संग, और एक क्या रह गया, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, इसलिए पांच हो गया ना, श्रीमूर्ति मथुरा सेवन, नाम संकीर्तन, साधु संग, मथुरावास, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर का सेवा हो गया, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपज जहार अल्प संग, कहती ये पांच अंग में और एक क्या रह गया, और के हाँ वैष्णव साधु संग उसमें आ जाता है, साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावास, नहीं भागवत श्रवण, इसलिए कहते ये भागवत श्रवण है, इसलिए हमारे मंदिर में तो दो टाइम भागवत कथा होता है, है? भागवत श्रवण, ये भक्ति, ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वो कहते हैं प्रभुपाद हमें ये जो पांच अंग पूर्ण रूप में प्रभुपाद ने हमें ये पांच अंग जाजन करने के उन्होंने हमें सुजग प्रदान प्रभुपाद ने ही किया है। इसलिए इनकी बहुत सारी कथा है, इसलिए तो शाम को और थोड़ा सुनेंगे, इसलिए आज ये महापुरुष का जन्मतिथि, हाँ इनका जो शिष्य है हमारे मंदिर में श्री माधव प्रिय प्रभु सिद्धांति महाराज, हाँ इनका इन्होंने बहुत मंदिर स्थापन किया, इनके पास में ठाकुर अपनी आप स्वप्न दे करके नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, बहुत महाप्रभु का समय का विग्रह था वृंदावन में, जो गोपीश्वर महादेव के पास में जो गोपीनाथ गौड़ीय मठ हैं, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न दे करके इनके पास में आए, बोले हमें ग्रहण करके सेवा पूजा हमारी प्रकाश कर, ठाकुर जी इनको स्वप्न दे करके इनको पास में आए। इसलिए आज इनकी जन्मतिथि, इनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम सबको पर में कृपा करें, इनकी जैसे भगवान के प्रति, गुरुदेव का प्रति, वैष्णव का प्रति इनकी निष्ठा है,
हमारे अंदर में भी ये थोड़ी सी निष्ठा आए, हम भी ठाकुर को इससे सेवा पूजा कर सके। ठीक है, प्लस भक्ति प्रमोद श्री पुरी गोस्वामी महाराज की। हाँ, और इनके अंदर में ना ये बहुत सुंदर भजन गाते थे, इसलिए रेडियो सेंटर में आकाशवाणी में इनकी भजन आती थी। ये बहुत सुंदर गायक थे, बड़े सुंदर भजन गाते थे। भजन जब आती थी सब शिष्य लोग सुनते थे प्रभुपाद का, प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद इनकी हैं इनकी भजन आती है। जब प्रभुपाद जब शरीर छोड़े अंतर ध्यान हुए उस समय भी इनकी सेवा था, उस समय भी ये महापुरुष उस समय भी प्रभुपाद का शरीर छोड़ते समय भी रहते थे। जब प्रभुपाद शरीर छोड़े ना एक अद्भुत घटना हुई, क्या जानते हो? जिस समय प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा वो मंदिर में जितने घड़ी थी कलकत्ता में हैं बाग बाजार गौड़ी मठ में जितने घड़ी थी उस समय अपने आप बंद हो गया, सारे घड़ी बंद हो गई थी। जब देखा सबके सब प्रभुपाद जब शरीर छोड़े उस समय में सारे घड़ी मंदिर का बंद है और आगे से कोई घड़ी नहीं चली। इसलिए ये महापुरुष प्रभुपाद का बहुत सेवा किए, ये हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद करे, हमारे अंदर में भी ऐसे निष्ठा हो, गुरु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा, भक्ति निष्ठा, नाम निष्ठा। ठीक है ना? इसलिए देखो कोशिश करनी चाहिए हम अपना जो हरिनाम करते हैं ना निष्ठा नियम पूर्वक थोड़ी सी हरिनाम प्रति हमारी निष्ठा हो। अभी हम सब लोग बैठेंगे, बैठी करके थोड़ी समय हरिनाम करें। हरिनाम मतलब माला लेकर के थोड़ी समय, आज तो सर लेट हो गया तब भी 10-15 मिनट बैठ कर यहाँ हरिनाम करें। ठीक है, बोले श्री सच्चिदानंद।